एवरीवन अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सात श्री अकाल वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल दिस इज मी साइमा पीरजादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरजादा रिएक्शन चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम देखने वाले हैं फिजा अकबर खान जो है वो रो रही हैं रोटी के ऊपर। सो देखते हैं कि भाई क्या वजह है क्यों रो रही हैं। सो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहां से देख सकते हैं ओरिजिनल वीडियो। बाकी मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो यस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारे पड़ोसी मुल्क के लोगों की जहनियत ये है कि खाएंगे एक रोटी लेकिन दिल्ली लेके रहेंगे। क्या 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 बैतलो बैतलो क्या 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 एक मरतबा फिर मुसलमान फौजें मगरिब से आएंगी और दिल्ली पर काबिज होंगी। लेकिन एक सेकंड, बैठे हैं कब से वेट कर रहे हैं। म्यूजिक आपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी कि बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े छीछड़े। हमारा एक मुतालिबा है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अच्छी मेरा के कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अब ऐसे हाल में मुल्क तरक्की की राह पर कैसे गामजन हो सकता है? मुझे कोई फॉर्मूला समझा दे कैसे। नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा भैया। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। पाकिस्तान की इकोनॉमी का बंटादार हो चुका है लेकिन इनको चाहिए दिल्ली। आहा, आहा, आहा। एक रोटी खाएंगे लेकिन भारत से लेकर रहेंगे दिल्ली। पाकिस्तान का डॉलर 211 रुपए से ऊपर जा चुका है लेकिन पाकिस्तानियों ने अभी तक होश के नाखून नहीं चबाए, ना ही ये चबाएंगे। इनके दिमाग में सिर्फ एक चीज घुसी हुई है, दिल्ली 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 दिल्ली। और इंडिया में जाकर के हम दिल्ली पे कब्जा कर ले। और दिल्ली का मतलब दिल्ली नहीं, दिल्ली का मतलब है पूरा हिंदुस्तान और यहाँ पे इस्लाम की रियासत। और नहीं तो क्या। तो इन मासूम पाकिस्तानियों को आज आप और हम मिलके देते हैं दिल्ली। क्योंकि ये पाकिस्तानी अब सिर्फ भारतीयों के मनोरंजन के काम के रह गए, तो शुरू करते हैं। चार भाई हैं और अगर एक रोटी है तो सबको मिलकर एक एक चौथाई उसकी खानी है और इंशाल्लाह ताला जब चार रोटी आएंगी तो फिर पूरी पूरी रोटी खाएंगे। और इनको चाहिए दिल्ली। दो रोटियों के बजाय एक पे कुछ अरसे के लिए इक्तफा करना पड़ेगा, बट इंशाल्लाह अल्लाह वो दिन जरूर लाएगा और बहुत जल्द कि दो के बजाय आप ढाई रोटियां खा सकेंगे। वाह वाह पाकिस्तानियों, वाह तुम्हारा नसीब बहुत तेज है, दो की जगह ढाई रोटी खाओगे। सही है। शाबाश। कपड़ा महंगा हो गया है तो क्या कपड़े भी जरूरत को रखते हुए, इन चीजों को रखते हुए मैं आधे पहनना शुरू कर दूं? नहीं, यानी अगर बगैर शर्ट काम चल सकता है तो मैं सिर्फ पतलून पहनूं, शर्ट छोड़ दूं? नहीं, इस्लाम में हराम है, ये काम नहीं करना भाई। गरीब आदमी जो है ना उससे कोई पूछेगा दौड़ दो कितनी है तो कहेगा दौड़ दो चार रोटियां। अब ऐसे हाल में मुल्क तरक्की की राह पर कैसे गामजन हो सकता है? मुझे कोई फॉर्मूला समझा दे कैसे। इनके वजीर आजम ही बताएंगे अब कैसे। नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा भैया। कोई बंदा इस मुल्क को वापस पे वापस ट्रैक पे नहीं ला सकता, पीरियड। कि पाकिस्तान को जिधर ये लेके जा रहे हैं अब, मुझे खौफ है कि ये उस तरफ जा रहा है जिधर श्रीलंका पहुंच गया। पहुंच क्या रहे कटोरा खान जी, पहुंच गए हो लेकिन तुमको चाहिए दिल्ली। पाकिस्तान में वो कहते हैं पाकिस्तान में अगर अमन होगा, खुशहाली होगी, सुकून होगा, ये फिर चीन की गोद में जाके बैठ जाएंगे। तो बेहतर यही है कि जहां अमन खुशहाली और जीत ना हो। और थ्रेट कहां से? आपको इंडिया से दिलाया जाता है, हमें इंडिया से मरवाएंगे। नतीजा अक्स किया जा सकता है, इंडिया जंग की तैयारी कर रहा है। और किस चीज की तैयारी कर रहा है? मगर एक ऐसी जंग की जो वो जीत नहीं सकता। चल झूठा। दूसरी बात, ये महंगाई जो है कोई नहीं रोक सकता। और ये सिर्फ और सिर्फ अब इनके पास एक रास्ता है कि ये किसी तरह अमरीकनों के पास अब जाएंगे और उनके पैर पकड़ेंगे। पाकिस्तान को अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा मजबूत मुल्क बनाया है। को पैसा बर्बाद पहन, हमारे पास बेहतरीन मौसम है, बेहतरीन जमीन है। ओ भाई, अगर आपका 200 रुपया उनके 1 रुपए के बराबर है तो यही तुम्हारी औकात है।
अब छलांगे मत मारो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आप उस खिते में एक, जिस तरह वो कहते हैं ना कि एक डूबती कश्ती के अंदर, आपकी कश्ती के अंदर इतने सुराख हो चुके हैं, अगर एक दो सुराख हो तो बंद करके गुजारा हो सकता है, लेकिन अगर खप्पे हो उसमें, अगर उसमें बहुत बड़ी बड़ी उसमें सुराख हो तो बड़ा मुश्किल होता है। सही बात है। रह गया न्यूक्लियर पावर, ये डेटरेंट है। न्यूक्लियर पावर ये नहीं है कि न्यूक्लियर पावर होने की वजह से आप कोई, आपकी अखलाकियात और आपकी कोई इक्तसादियात बेहतर हो जाएगी। ये क्या है न्यूक्लियर पावर, बेसिकली क्या है? एक तरफ है इकोनॉमी, एक तरफ है ये आपका न्यूक्लियर पावर होना। एक बंदा है जी इस कुर्सी पे बैठा है, उसका अपर हाफ है दुनिया का सबसे स्ट्रांग आदमी का, मसल वो गेंडे को भी मुक्का मारेगा तो उसकी गर्दन तोड़ देगा। नीचे है पोलियो पैरालाइज्ड, उसको कुछ चपेट मार के चला जाएगा ना, 5 साल का बच्चा चुंडी काट के, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। आपकी ये सिचुएशन है। वाह 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 वाह, क्या मिसाल दी है भाई, क्या मिसाल दी है। लेकिन फिर भी इन पाकिस्तानी को चाहिए दिल्ली। अगर पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिकन फैसले दिल्ली से सुनाए जाते रहे तो इसकी बहुत बड़ी सजा दिल्ली को भी भुगतनी पड़ेगी। आ गए ये दिल्ली पे। माशाल्लाह एक मर्तबा फिर मुसलमान फौजें मगरिब से आएंगी और दिल्ली पर काबिज होंगी, लेकिन जंग का आगाज तमाम जियोपॉलिटिकल निशानियां भी ये बता रही हैं कि कश्मीर के महाज से होगा, जो क्या भी इन्होंने जंग छेड़ दी है वहां पर। ये लोग धीरे धीरे श्रीलंका की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इनको चाहिए दिल्ली। एक रोटी को 4 टुकड़ों में करके खा रहे हैं, लेकिन इनको चाहिए दिल्ली। IMF का डंडा इनके सर पे पड़ा हुआ है, लेकिन इनको चाहिए दिल्ली। FATF ने इनको ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है, लेकिन इनको चाहिए दिल्ली। डॉलर 211 रुपए चला गया, लेकिन इनको चाहिए दिल्ली। तो आ जाओ बेटा, ये मिलेगा तुमको ठुल्लू। ये लाल टोपी तो बकलोल है ही, अभी इसकी चड्डी उतारेंगे हमारे मेजर गौरव आर्या जी। कभी कह रहे हैं श्रीनगर फतेह करेंगे, अब उन्होंने बोला श्रीनगर तो मुश्किल है, अब छोड़ दो वहां पे ठंड बहुत पड़ रही है, चलो दिल्ली से ही फतेह करते हैं। मैं कह रहा हूँ तमिलनाडु से शुरू करो, केरला से, राजस्थान से, जहां से शुरू करना है शुरू तो करो। मैं तब से इनकी पता नहीं कितने सालों से बातें सुन रहा हूँ, बातें बहुत करते हैं, बातों के बादशाह हैं, अब कुछ फिजिकल एक्शन तो कुछ हो। जैद अमित साहब तो टोपी पहन के अपने ट्विटर स्पेस पे आ जाते हैं कि चलो अटैक करेंगे इंडिया को, अब दिल्ली चीर दो, दिल्ली को और ये कर दो, काट दो सब काफिरों को, जान से मार दो। अच्छा मारना तो शुरू करो यार, सर बोल बोल के थोड़ा ना। हाँ हो सकता है कि काफिर बोरियत से मर जाए किसी दिन, मैं बता रहा हूँ, मुझे ही ना हार्ट अटैक आ जाए देख देख के, बोल बोल के जैद अमित काफिरों को मार दो। अरे यार बैठे हैं, कब से वेट कर रहे हैं। मुसलमान सिपाही का कोई बदल नहीं है रूए जमीन पर, जो आदमी जान है थैली पर। कैसे मुसलमानों ने 2 सुपर पावर्स को फतह कर लिया था छोटे नेजे। ये बड़ी ही विचित्र और वाहियात बात की है। और तो और इनके मुल्क की ये हालत हो गई, इनके पास चाय पीने को भी पैसे नहीं है। क्या आप चाय का इस्तेमाल कम करें ताकि पाकिस्तान का पैसा बचे, मैं बिल्कुल इसके हक में हूँ। चाय का कप एक एक कप कम कर दें, एक दो प्यालियां कम पीनी शुरू कर दें, यानी अगर आपको बिल तंग कर रहा है, नहीं दिया जा रहा, पंखा चलाना बंद कर दें, बत्ती चलानी बंद कर दें, कल को कहेंगे सांस लेना बंद कर दें, जीना ही बंद कर दें, कौन लोग हैं आप। और बल खाती बिल बिलाती फिजा खान को देखने के बाद आपके दिमाग में जो भी विचार आ रहा है सबसे पहले उसको कमेंट बॉक्स में उतार दीजिए, क्योंकि कमेंट बॉक्स सिर्फ आपका और आपको कमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप लोग आजकल शेयर नहीं करते हो तो शेयर जरूर कर दिया कीजिए। और आपको लगता है कि वीडियो बहुत अच्छी बनी है और आपको मजा आ गया वीडियो देखने के बाद में, तो यहाँ पे एक सुपर थैंक्स बना हुआ है, तो उसका इस्तेमाल जरूर कीजिए। ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जो फिजा है उसकी तो सही धुलाई की है इन्होंने, और पहली बात यह है कि फिजा को चाय वगैरह पीनी है हर हाल में, और इसी वजह से वो जो है ना परेशान हुई हुई है कि कहीं वो चैनल वाले जो है ना वो उनको चाय देना बंद ना कर दें, तो इस वजह से वो परेशान हुई हुई है। लेकिन कोई बात नहीं, कभी ये कुछ कहती हैं, कभी कुछ कहती हैं, कभी कहती हैं अवाम पे डाल देती हैं, कभी गवर्नमेंट पे डाल देती हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, चाय इंसान की नीड है, चाय इंसान नहीं छोड़ सकता, भले गवर्नमेंट कुछ भी कहती रहे। लोग खाना छोड़ सकते हैं, पाकिस्तान में चाय नहीं छोड़ सकते, ये आपको भी आइडिया हो जाना चाहिए।
इवन तो मैं खुद भी इतनी सारी चाय पीती हूँ. एनीवेज जो है ना, जैसे गाड़ी को पेट्रोल की ज़रूरत होती है ना, वैसे ही हमारे यहाँ पर कराची के खासकर लोगों को ना चाय की ज़रूरत होती है, तो वो एक्टिव हो जाते हैं. वेल अगर हम बात करें महंगाई की, तो नो डाउट महंगा हो गया, क्योंकि डॉलर 211 रुपए का हो गया. मुझे आज ही पता चला कि डॉलर 211 रुपए का हो गया. वैसे मुझे लग रहा था 200 का ही डॉलर है, लेकिन 211 रुपीस का जो है ना वो डॉलर हो चुका है. मतलब वेरी एक्सपेंसिव हाँ. और अगर वैसे हम देखें तो डॉलर के साथ साथ जो है ना महंगाई इतनी हो गई है, पेट्रोल 235 रुपए का हो गया है, 235 रुपीस का जो है वो पेट्रोल लीटर आ रहा है पाकिस्तान में. और महंगी रोटी बहुत महंगी हो गई है. अभी मैंने कल ही बाय की थी, दो रोटियां बाय की थी 30 रुपीस की, टू रोटियां हाँ. तो वो मतलब कि 30 रुपीस की रोटी मिली. तो कभी एक वक्त ऐसा था जब 5 रुपए की रोटी मिलती थी. तो ये इतनी महंगाई हो गई है, तो ये किसकी वजह से हुई है? हमारी गवर्नमेंट की वजह से हुई है, हमारे हुक्मरानों की वजह से हुई है, जो हुक्मरान ही करके जा चुके हैं. फिर ऊपर से ग्रे लिस्ट में आ गए, ग्रे लिस्ट की वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स हुई. देखो खुद को हमें चेंज करना पड़ेगा, तब तक किसी कौम की हालत बेहतर नहीं हो सकती जब तक वो अपनी हालत खुद सुधारना ना चाहें. आपको लग रहा है, कहते हैं कभी एक चीज़ अगर ख़राब होती है ना तो उसको चेंज करना पड़ता है, आपको उसको सीक्वेंस वाइज लेकर चलना पड़ता है. मतलब अगर आपकी एक चीज़ काम नहीं करी है ना, तो उसमें कुछ चेंज करो, कुछ चेंज करके लाओ ताकि वो काम करे. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा देखने वाली होती हैं, लेकिन लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे और जितना हो सकता है उसको लेकर दबाते जा रहे हैं. पाकिस्तान में इस वक्त जो कंडीशन मुझे देखने को मिल रही है ना, गरीब गरीब से गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर से अमीर होता जा रहा है. क्योंकि जिनकी बिजनेस है उनको फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि वो महंगी तरीन चीज़ें बेच रहे हैं. और जिनको जिनके पास पैसा जो है वो नहीं है, जिन्होंने जमा किया हुआ था, वो सिर्फ खाने में ही लगे हुए हैं, उनके पास और कुछ बिजनेस क्या करेंगे, बिजनेस कर लें या फिर अपना काम कर लें. ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें होती हैं. तो ओवरऑल सही कह रहे हैं भाई, कभी भी कोई भी अपना हाल तब तक सही नहीं हो सकता जब तक खुद हम अपना हाल ठीक ना करें. बाकी रोटी की बात आई, तो ये तीन रोटियों वाली जो रोटी के चार हिस्से, अब ऐसी बात नहीं है कि लोग चार हिस्से करके खाना शुरू हो जाएं रोटी का, क्योंकि इतनी भी नहीं है गुर्बत जितना दिखाई दे रही है. लेकिन यह है कि हमारे अगर जैसे विलेज टाइप, अगर हम विलेज में चले जाते हैं, वहाँ पर आपको बहुत इस तरह की चीज़ें कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं, जैसे गुर्बत बहुत ज़्यादा हो गई है वहाँ पर. लेकिन ना काम के लिहाज से गुर्बत है, ठीक है, लेकिन खाने पीने के हिसाब से उनको इतनी गुर्बत नहीं होती है. सिर्फ उनको ऑयल वगैरह बाय करने में थोड़ा महंगा पड़ता है, बाकी क्योंकि ना तो उनको ट्रैवलिंग का इतना होता है और ना ही उनको वेजिटेबल्स बाय करनी होती, क्योंकि उनके अपने ही खेत होते हैं, तो वो वहीं से ही तोड़ के खा पी लेते हैं. फ्रूट्स भी उनको मिल जाते हैं, मतलब ईजी हो जाता है उनका. लेकिन अगर वैसे पर्सनली मैं देखूं तो कुकिंग ऑयल हो गया, इस तरह की चीज़ जो होती है ना वो थोड़ा दिक्कत करती है, उनको महंगी पड़ जाती है. बाकी शहरियों के लिए तो हर चीज़ ही महंगी है. जैसे आपको रेंट का, रेंट पे आप रह रहे हो तो आपको रेंट भी पे करना है, फिर आपको खर्चे भी पूरे करने हैं, हर चीज़ को आपको मैनेज करना पड़ता है. तो खैर गाइज, ये था हमारा आज का वीडियो. आई होप कि आप लोगों को जो है वो आइडिया तो हो गई कि पाकिस्तान में जो कंडीशन इस वक्त चल रही है वो नो डाउट श्रीलंका की तरफ ही लेकर जा रही है. लेकिन आई होप सो कि आने वाला वक्त जो है IMF जो है इसको ग्रे लिस्ट से निकाल दे, तो पाकिस्तान की कंडीशन जो है वो पहले से बेहतर हो सकती है. तो उम्मीद करते हैं कि बेहतर हो जाए आने वाले वक्त में. सो आपका क्या कहना है इसके बारे में, ज़रूर शेयर करना कॉमेंट सेक्शन में. बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.